नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मोम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 3 ब्रेड से 2 मिनट में ढेर सारे पकौड़े। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने 3 ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसके ऊपर चाट मसाला एक चुटकी पर इस तरह से डाल के और सबको मिला लेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब ये मैंने बेसन लिया है 2 बड़ा चम्मच और सूजी लिए ये आधी चम्मच, ये इसमें मिला देंगे। और अब कुछ मसाले मिलाएंगे, ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसमें मिला देंगे, ज़ीरा और ये अजवाइन। अजवाइन डालने से पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसको इस तरह से हाथ पर इस तरह से मल के फिर डालना चाहिए ताकि और अच्छी खुशबू आए इसमें। और नमक ये स्वाद अनुसार मैंने आधी चम्मच ली है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आधी चम्मच मतलब आधी छोटी चम्मच। और ये सौंफ है, थोड़ी सी इसमें सौंफ मिला देंगे। और पहले भी हमने चाट मसाला डाला है और थोड़ा और इसमें चाट मसाला डाल देंगे। ढेर सारा हम डालेंगे अब इसमें ये धनिया, बारीक कटा हुआ ये धनिया डाल देंगे। आधा नींबू का रस इसमें मिलाएंगे क्योंकि हमको तुरंत बनाने हैं। अगर आपको थोड़ी देर में बनाना हो, 15 मिनट इसको रख देने से और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन मुझे तो उसको तुरंत बनाने इसलिए आधा नींबू का रस मिला दिया इसमें। अब पानी से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से तैयार हो गया और इतना ही हमें इसको जाड़ा रखना है, एकदम पतला नहीं करना है और एकदम जाड़ा भी नहीं रखना, बस इस तरह से। तेल भी मैंने पहले से गरम कर दिया था। एक एक पीस ये ब्रेड का इसमें पूरी तरह इस तरह से डीप कर लेंगे अपने, इस तरह से बिल्कुल ये चारों तरफ से इस पर ये कोट हो जाना चाहिए। तेल पहले से हमारा गरम था, अच्छा अब इसमें एक एक पीस डालेंगे। ये पकौड़े बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आजकल अचानक बारिश आ जाती है और गरम गरम पकोड़े खाने का मन हो तो इस तरह के पकोड़े बना लो, बहुत कम टाइम में वो ये पकोड़े बन जाते हैं। अब इनको सबको पलटेंगे इस तरह से, ये ब्राउन हो गए, एक तरफ से अच्छे ब्राउन हो गए और दूसरी तरफ भी हमको ऐसे ही ब्राउन करने। थोड़ा इसमें इसको तलने में टाइम लगता है, 2-3 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये इसको इस तरह से ही कुरकुरे करने हैं। अब ये दूसरी तरफ से भी अच्छे ब्राउन हो गए, अब इनको हम निकाल लेंगे, जैसे निकाल लेंगे सबको एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारे 3 ब्रेड के बहुत सारे पकोड़े बनके तैयार है। देखिए पूरी प्लेट भर आ गई, इतने पकोड़े बने और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आज का ये हमारी झटपट रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।